तो भाई लोगों, इंतजार की घड़ी हुई खत्म, मूवी आ चुकी है सैतान, आज रिलीज हो जाएगी। और इसके जो रिव्यू आ रहे हैं, फर्स्ट रिव्यू, पब्लिक रिव्यू, भाई बहुत एक्साइटमेंट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि, महादेव की कृपा आप पे खूब बनी रहे, घर में ढेर सारी खुशियां आए और जीवन में खूब सारी सक्सेस आप हासिल करो, हर हर महादेव। शुरुआत करते हैं भाई साहब सैतान की फाइनल एडवांस बुकिंग, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले पब्लिक रिव्यू जो आ रहे हैं भाई, अभी तक जो था नॉर्मल था कि ठीक है, दिन शुरू होगा, पूजा पाठ कर लेंगे क्योंकि आज महाशिवरात्रि भी है, भोलेनाथ जी का दिन है, जाएंगे मूवी देख लेंगे। लेकिन भाई पब्लिक रिव्यू इतने दमदार आ रहे हैं, फर्स्ट रिव्यू इतने दमदार आ रहे हैं कि अब जो है निकलते ही है, बस नहाए धोए और निकलना ही है, बस तैयारी है। तो भाई फाइनल एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे, पब्लिक रिव्यू तो आ ही रहे हैं, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। देन उसके बाद कंपैरिजन सेट कर लेंगे कि नेशनल चेंज में कैसा है, और भी मूवी जो इस टाइम आई हैं वो क्या आग फाड़ रही हैं, अर्ली एस्टिमेट देखेंगे कि मूवी कितना कमाई कर सकती है, कितना कमाई नहीं कर सकती है, क्या रेस्पॉन्स इन्हें मिल रहा है पब्लिक की तरफ से, सब कुछ। उससे पहले वीडियो के लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, फाइनल एडवांस बुकिंग सैतान की हिंदी 2D से 4,11,77,253 रुपए का कलेक्शन इन्होंने अपने फर्स्ट डे यानी आज के लिए लिया है, जहां पर टिकट सोल्ड आउट करे हैं 1,76,391। हिंदी आइस वर्जन की बात करें तो 2,21,070 रुपए का कलेक्शन इन्होंने यहां से किया है, 484 इन्होंने टिकट सोल्ड आउट करे हैं हिंदी आइस वर्जन के लिए। टोटल एडवांस बुकिंग ऑल इंडिया से होती है 4,14,00,000 का कलेक्शन, जो दमदार है भाई, दमदार है बिल्कुल, क्योंकि इस समय बहुत मूवी चल रही है, भीमा साउथ से भीमा भी आने वाली है, तो भाई पब्लिक कहीं ना कहीं उसके लिए भी अपना बजट मेंटेन करके रखेगी। तो टोटल टिकट इन्होंने सोल्ड आउट करी है आज के लिए यानी फर्स्ट डे के लिए 1,76,875, एंड टोटल सोच इनके खाते में आते हैं 11,847। सोच बहुत बढ़िया है, सोच की कोई कमी नहीं है, जिस हिसाब से टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, जिस हिसाब से इनकी एडवांस बुकिंग हुई है वो इतनी दमदार नहीं है, क्योंकि जब सलार रिलीज हुई थी तो सलार के पास इतने सोच नहीं थे, अराउंड 12,000-13,000 सोच थे, लेकिन वो मूवी मैं बता नहीं सकता क्या आग फाड़ के गई है, मतलब दमदार कमाई करके गई है। बाकी नेशनल चेंज में मूवी ने आज डे वन के लिए कलेक्शन टिकट सोल्ड आउट करे हैं 82,000 PVR, INX एंड सिनेपोलिस तीनों को मिलाकर। कंपैरिजन बेस पे बोले तो सिर्फ नेशनल चेंज में फाइटर जो इस साल रिलीज हुई है स्टार्टिंग ऑफ ईयर में 1,45,000 टिकट सोल्ड आउट करे थे नेशनल चेंज में, जो बहुत नीचे है पहुंची है सैतान, जो उसको मतलब इस रिकॉर्ड को मैचअप नहीं कर पाई है। आर्टिकल 370 ने 1,25,000 टिकट सोल्ड आउट करे थे, भाई उम्मीद नहीं थी कि आर्टिकल 370 इससे आगे निकल जाएगी, सोच रहा था कि आर्टिकल 370 को तो ये पीछे पछाड़ ही देगी, क्रैक को इसने बीट डाउन कर दिया है, जिसने 57,000 टिकट सोल्ड आउट करे थे डे वन के लिए। तो भाई साहब ये मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी, 15 करोड़ मिनिमम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आज डे वन के लिए सेट करा जा रहा है। दिस इज अर्ली एस्टिमेट, नॉट अ फाइनल प्रिडिक्शन, जिसमें सिर्फ नेट इंडिया से कमाई ये मूवी आज करती नजर आ रही है डे वन के लिए, उन्हें सिक्योर करती नजर आ रही है 12 करोड़ के आसपास। दिस इज ऑल्सो अ मिनिमम अर्ली एस्टिमेट। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि ये मूवी आज डे वन के लिए कितना कलेक्शन करके लाएगी, क्योंकि भाई नो डाउट मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, आज नहीं तो ये मूवी कल और परसों और नरसों, क्योंकि कल सैटरडे है, देन संडे हॉलीडे, तो ये मूवी कल परसों फेल के कमाई करने वाली है। ब्लैक मैजिक के ऊपर ये मूवी होने वाली है, गुजराती मूवी बस का ये रीमेक है, लेकिन भाई मैंने बस मूवी नहीं देखी है, मेरे लिए ये फ्रेश एंड प्योर कंटेंट है, दैट्स वाई कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल 100 नहीं 1000% हाई चल रहा है। मिलते हैं रिव्यू में, बाय।